अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम। आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे मैडम, आजकल क्या रूटीन चल रही है, क्या एक्टिविटीज आपकी चल रही हैं? मेरी रूटीन बस घर में, आजकल आपको पता है पाकिस्तान में लॉकडाउन है कोरोना की वजह से, तो बस घर में। अच्छा, तो मैडम ये बताएंगे आप अपनी फील्ड में कितने अरसे से व्यस्त हैं? मुझे तकरीबन 10-11 साल हो गए इस फील्ड में, तकरीबन 12 साल हो गए इस फील्ड में माशाल्लाह। तो कहा जाता है कि आप मॉडलिंग भी करती रही हैं, स्टेज की दुनिया से भी वाबस्ता है, तो क्या कहेंगी सबसे ज्यादा काम करने का मजा आपको कहाँ पर आया? सबका डिफरेंट है। जैसे कि मैंने मॉडलिंग की, वो एक उसका अपना मजा, और जो स्टेज की है वहाँ तो आपको पता है जोश और हिम्मत हौसला होना चाहिए, क्योंकि वहाँ परफॉर्मेंस आपकी मेहनत वहाँ आगे आती है। तो स्टेज पे मुझे बहुत ही मज़ा आया, और मैं अक्सर फ्री टाइम में जब इवेंट ना हो तो फिर मैंने स्टेज करना होता है, और स्टेज पे बहुत मज़ा आता है। अच्छा, तो मैडम मैं आप यही बताएं कि आप जब कोई फंक्शन लेती हैं पंडाल का, तो उसका आपका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या शराइत तय करती हैं तब आप जाके फंक्शन लेती हैं? मेरे सबसे पहले शराइत ये होती है कि जहाँ भी आपने शो करवाना है तो सबसे पहले परमिशन, वहाँ को नज़दीक थाना है ना, वहाँ की परमिशन होनी चाहिए, और वो जो कोई वहाँ का बड़ा, चाहे कोई MNA लगा लो या गांव में लंबरदार जो भी बोलते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, और पंडाल जो है वो खुला होना चाहिए, और वहाँ कोई उल्टिंग ना हो, कोई बदतमीजी ना हो। अक्सर लोग ट्रिंग करके बदतमीजी करते हैं, ये सारे मामलात ना हो, फिर मैंने फंक्शन जाके ओके करना है। तो मैडम कोई हमारे कोई ऐसा वाकया भी सुनाएं कि फंक्शन के दौरान कोई ऐसा वाकया हो गया हो, कोई नाखुशगवार वाकया हो गया हो, फायरिंग का, कोई इस किस्म की लड़ाई झगड़े के वाकयात हो गया, कभी ऐसा वाकया पेश आए? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी शो पे मेरे साथ या मेरे फंक्शन पे ऐसा वाकया नहीं हुआ। पिछले दिनों में एक फेक खबर चल रही थी सोशल मीडिया पे, हम नाम होने की वजह से, क्योंकि मेरा नाम फेमस है ना, तो उसका नाम चाहत वो कुहाट से है। कुहाट एक वाकया हुआ था, उसके पीछे कोई 5-6 बंदे कत्ल हुए, आपस में कोई लड़ाई हुई, तो उसका कोई इशू बना, उन्होंने मेरा नाम लगा के ना सोशल मीडिया पे कि चाहत ब्लोच के पीछे ये हुआ वो हुआ। मुझे पता ही नहीं, मैं आज तक कुहाट नहीं गई, तो ये मसला बना, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप कितना मुआवजा लेती हैं एक फंक्शन का? मैं माशाल्लाह तकरीबन 2 लाख रुपये लेती हूँ। तो गाड़ी कौन सी रखी हुई है आपने अपने पास? GLI। इस ड्राइवर वगैरह मुलाजिम कितने हैं आपके? एक ड्राइवर और 2 मुलाजिम और 1 कैमरामैन। ड्राइविंग वगैरह खुद करती हैं? कभी शौक है ड्राइविंग, लॉन्ग ड्राइविंग करने का? पहले था, अब नहीं। लाइसेंस वगैरह है आपके पास? जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसके अलावा आप हमें यह बताएं कि कोई फैन का कोई ऐसा वाकया, दिलचस्प वाकया हमारे साथ शेयर करें, कभी जिंदगी में कोई फैन ने कोई ऐसी हरकत कर दी हो जो आज भी आपको याद आती हो? फैन काफ़ी माशाल्लाह, मेरी ऑडियंस, मेरी आवाम जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे इतनी इज्जत देते हैं, इतना रिस्पांस देते हैं, तो उनके लिए स्पेशल। वाकई हमारे साथ कुछ शेयर करते हैं, किसी ने रोक लिया हो आपको, या किसी ने ऐसा गिफ्ट आपको दे दिया हो जो आपको याद आता हो? जिंदगी में एक मरतबा हुआ था जब मैं शो पे गई, तो और भी मेरे साथ काफ़ी आर्टिस्ट थे, उन्होंने परफॉर्मेंस की, जब मेरी बारी आई मैं परफॉर्मेंस करने लगी तो उन्होंने मुझे रोक लिया, तो रोक के ना तो मुझे गिफ्ट दिए, जैसे कि फ़ोन था, गोल्ड की चीज़ें थी, काफ़ी गिफ्ट थे ना, तो मैं परेशान हो गई, और मेरी तरफ उन्होंने 2 मिनट देखा, देख के चले गए। आज तक वो बंदा मुझे नज़र नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे तो लगता है मैंने शायद ख्वाब देखा। वो मैं अक्सर याद करती हूँ वो वाकिया, कि ऐसे भी होता है। तो माशाल्लाह मैडम, अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया है, पैसा भी है, हुसन भी है, घर भी है, सब कुछ अल्लाह ताला ने आपको दे दिया हुआ है, तो गरीबों वगैरह की मदद वगैरह भी आप करती होंगी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले उनका ख्याल रखती हूँ, जैसे शो से आना मैंने तो उनका जो हिस्सा है वो अलहदा हम निकाल लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम बाद में डिवाइड करते हैं। अच्छा, तो मैडम जो आपको आमदनी हासिल होती है आप किसी फंक्शन से लेती हैं, वो डिवाइड होती है आपके कम्युनिटी के अंदर जहाँ पर आप रह रही होती हैं, गुरु सिस्टम के अंदर वो तकसीम होती है, या आप आलो नाल सारी रकम आपके पास ही जाती है? नहीं, हमारे कुछ असूल होते हैं, जैसे कि साथ में मुलाजिम होते हैं और गुरु होते हैं, गुरुजी होते हैं, तो
सारा कुछ उनके पास होता है, उन्होंने गार्डनिंग करनी है, उन्होंने मुझे बताना है कि आज 3 लाख 4 लाख 5 लाख, तो उसमें से खर्चे देखने कितना खर्चा है, खर्चा निकाल के जो देने लड़कों को वो निकाल के फिर उन्होंने मुझे देने, तकरीबन 50,000 या 1 लाख उसने रखना है, बाकी मुझे दे देने उसने कि ये तुम रख लो, तो जब मेरे अकाउंट में वो डाल देते हैं। तो मैडम अब घर वालों के साथ आप मिलती जुलती हैं, घर वालों को भी सपोर्ट करती हैं आप? माशाल्लाह, सबसे पहले उनका हक है, तो सबसे पहले मैं उनको देखती हूँ, उनका सोचती हूँ, हमेशा से मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, और जब तक मेरी ज़िंदगी रही इंशाल्लाह मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती रहूँगी, उनका हक है। तो मैडम आपका माजी कैसा रहा था? माजी में आमतौर पर ख्वाजा सराओं को बड़े मुश्किलात देखनी पड़ती हैं, स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपका माजी ख्वाजा सराओं से स्टोरी सुनाएं कि कोई ऐसी मुश्किल आपने देखी हो अपना नाम खुद बनाने के लिए, घर वालों का कैसा रवैया था? देखिए जी, कोई भी काम है इतनी आसानी से नहीं होता, और मैं निकली थी घर से तो काफ़ी परेशानियाँ, मुश्किलात, टेंशनें, रोती भी थी, तो बस अल्लाह से दुआ मांगती थी, जो अल्लाह से मांगेगा अल्लाह पाक उसको एक ना एक दिन ज़रूर देगा, और मेरी माँ बाप की दुआएं थी, और मेरी मेहनत थी, और मेरा इतनी कि मैंने मेहनत की कि आज मैं इस मुकाम तक पहुंच गई हूँ, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी, और मेरी सोच से भी ज़्यादा अल्लाह ने मुझे रिज़्क दिया, कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान की होती है ना कुछ ख्वाहिशात कि बस सोचते ही रहते हैं, लेकिन मैंने जो सोचा अल्लाह से मांगा और अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कि बहुत कुछ दिया मुझे अल्लाह ने। अच्छा, तो मैडम हमें आप ये भी बताएं कि घर वालों का रवैया शुरू से ठीक था? जब आप पैदा हुई थी तो उस वक्त कैसा रवैया था आपका, जब इनको पता लगा था आपको ख्वाजा सराय? घर वालों का रवैया पहले नहीं ठीक था, और ख़ासकर घर वाले तो माँ बाप, तो माँ बाप होता है, लेकिन घर वालों का मसलन के जैसे कि साथ चाचू होते हैं ना साथ, तो वो मसलन के कुछ अच्छा नहीं समझते थे, और ऊपर से हमारी कास्ट जो है वो बलोच हैं, तो आपको पता है बलोच कितनी सख्त होते हैं, तो बस ठीक नहीं था उनका रवैया। बाद में जब मैं इस ऐसा ऐसा आ गई फील्ड में, अल्लाह ने मुझे इज्जत दे दी, तो अब माशाल्लाह सब मुझसे प्यार करते हैं और सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। कोई मोहब्बत का इजहार भी किसी ने किया होगा, शादी के लिए प्रपोज भी किया होगा? किसी सियासतदान का नाम बता दें, कोई बड़े नाम किस किस ने किया हुआ? नो किसी ने भी नहीं। शेख रशीद साहब बहुत पसंद करते हैं ख्वाजा सराओं, कोई मिलने का इत्तेफाक हुआ उनके साथ आपको? नहीं, अल्लाह पाक उनकी लंबी उम्र करे, तो मैं नहीं मिली आज तक उनको, पर मैंने भी नहीं सुना। कोई पॉलिटिकल लीडर आपको पसंद हो, फेवरेट हो आपका? वज़ीर आज़म इमरान खान है, मुल्क के वज़ीर आज़म है, कोई आपको पसंद हो, कोई आइडियल हो? नो कमेंट। लेकिन जो मेरी फेवरेट, जिसको मैं प्यार करती थी, बेनज़ीर भुट्टो, तब तो मैं छोटी थी जब वो शहीद हुई थी, तो तब तो मैं तकरीबन 2007 में उनकी डेथ हुई थी, तो मैं छोटी थी उस टाइम, लेकिन सुनती हूँ, उनकी वीडियो देखती हूँ, उनका बोलना, बात करने का स्टाइल, और जो उन्होंने गरीब अवाम के लिए किया, तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है कि वाकई अच्छी लीडर थी, तो उनकी मैं फ़ैन हूँ। अल्लाह पाक उनको जन्नत फरदोस में जगह दे, और अल्लाह पाक उनका अगला जहान अच्छा करे। मैडम भारत में कोई काम करने की कभी कोई ऑफर वगैरह हुई है आपको? जी बिल्कुल, इवेंट के हवाले से, इवेंट के हवाले से मुझे कॉल की, कुछ हालात ऐसे थे तो नहीं जा सकी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो जरूर जाऊंगी। कोई मैसेज अपने फैन को देना चाहती हूँ आप? जो मेरे फैन है ना, उनके लिए ये स्पेशल मैसेज है कि जितना मुझे प्यार करते हैं और हमेशा ऐसे प्यार करते रहें, और बहुत खुशी होती है कि आप जब मेरे सॉन्ग, मेरी परफॉर्मेंस, मेरी पिक्चर्स, मेरे टिकटॉक और जो भी हैं आप देखते हैं, लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और सब मसलन के आपके अच्छे अच्छे कमेंट जो होते हैं मैं पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है, और दिल जो इतना बड़ा हो जाता है आपका प्यार देखते हैं, और आपके लिए आई लव यू, थैंक यू सो मच।